कॉमर्स एस्पिरेंट द सीएस। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यावसायिक नियामक ढांचा। आज ये हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करने से पहले जैसे लॉ से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ कि ये आपका लॉ मतलब क्या होता है। कानून, कानून कैसे बनाया जाता है। कानून को बनाने के लिए सबसे पहले आता है कि कोई प्रॉब्लम सामने आती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कोई रूल और रेगुलेशन बनाते हैं, कोई सॉल्यूशन देते हैं। उस रूल बुक को जब भी पार्लियामेंट में यानी कि संसद में पास कर दिया जाता है, संसद के जितने भी लोग हैं वो मेजोरिटी लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको लगता है कि ये जो रूल और रेगुलेशन बनाया गया है वो सही है, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एक्ट का नाम दे देते हैं। और एक्ट का नाम जिससे संबंधित, जिस प्रॉब्लम से संबंधित वो सॉल्यूशन है उसी के हिसाब से हो जाता है। जैसे बिजनेस से रिलेटेड जो भी फ्रॉड होता है, लेन देन होता है, उससे संबंधित जो भी समस्या होती हैं, उनसे संबंधित रूल बनाया गया था, उसको पास किया गया पार्लियामेंट में, तो उसका नाम क्या रख दिया गया, बिजनेस लॉ रख दिया गया है। अब इसमें सबसे पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से आया था, 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ था ये, और बना था ये 25 अप्रैल को, 1872 25 अप्रैल को ये बना था और 1 सितंबर 1872 में ये लागू हुआ था। जब 1872 में ये कानून बनाया गया था तो उस टाइम पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये तीनों इसी के अंदर इंक्लूडेड थे, लेकिन किसी एक कानून के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ने की वजह से क्या किया गया, दो को निकाल दिया गया उसमें से। 1930 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट यानी कि वस्तु से संबंधित जितने भी नियम कानून थे उनको अलग कर दिया गया, और साझेदारों से संबंधित जो भी पार्टनरशिप से रिलेटेड रूल और रेगुलेशंस थे उनको अलग कर दिया गया 1932 में। तो जो 1930 में अलग किया गया गुड्स से रिलेटेड, उसका नाम रखा गया द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और जो 1932 में कानून अलग किया गया पार्टनरशिप से रिलेटेड था, उसका नाम था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आई थिंक इंट्रोडक्शन यहाँ तक समझ में आया हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है कि हम लोग ये समझते हैं कि बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में एग्रीमेंट कैसे बनेगा, आपको पढ़ना क्या क्या रहेगा, एग्रीमेंट कैसे बनेगा, इस एग्रीमेंट को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, कंसीडरेशन चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पढ़ना पड़ेगा। एग्रीमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी, आप उसको अपने बुद्धि विवेक पे सोचिएगा कि ऐसा कुछ होता है नहीं होता है, या फिर इसका मतलब क्या निकलता है, खुद सोचिएगा। एक पर्सन है, सबसे पहला केस है आपका, ए और बी दो दोस्त हैं, ए इनविटेशन देता है, ऑफर देता है बी को कि क्या आप मेरे घर आएंगे पार्टी के लिए, चाय पार्टी हो रही है इन लोग के यहाँ, बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, बोलता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। बस एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि अगर बी इसके यहाँ नहीं आता है, ए के यहाँ, तो क्या ए बी के ऊपर केस कर सकता है, पहला केस। दूसरा केस, एक हस्बैंड है वाइफ है, हस्बैंड वाइफ को कहता है कि मैं आपके लिए एक गोल्ड रिंग लेके आऊँगा, और अगर वो हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं लेके आता है तो क्या वाइफ इसके ऊपर केस कर सकती हैं। तीसरा केस अभी छोड़ देते हैं, चौथे केस पे आइए। एक पर्सन ए है, वो मंदिर में जाता है और मंदिर में देखता है पंडित जी हैं और वहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई नहीं है, अच्छे से नहीं है, वो वहाँ की एक दीवार कोई है वो टूटी हुई है। तो ए कहता है क्या पंडित जी आप यहीं पे रहते हैं और इसको बनवा नहीं पाते हैं, तो पंडित जी कहते हैं तुमको बड़ी दिक्कत हो रही है तो तुम बनवा दो, तो कहता है अच्छा ठीक है शाम को आइएगा हम आपको पैसे दे देंगे आप बनवा दीजिएगा। तो अगर पंडित जी शाम को जाएं और ए मना कर दे पैसा देने के लिए, तो क्या पंडित जी इसके ऊपर केस कर सकते हैं या नहीं। ये तीन केस एक तरफ, और एक केस है आपका ये जो केस नंबर थर्ड है, इसमें देखिए एक्स है और वाई है, एक्स के पास एक कार है, वाई के पास 2 लाख रुपए है, जितना कार को ख़रीदने के लिए ज़रूरत है वो। एक्स इनको ऑफ़र करता है, वाई उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हैं,
वाई ने 2 लाख रुपए दे दिया, एक्स अगर कार इसको नहीं देता है तो क्या वाई इसके ऊपर केस कर सकता है या नहीं कर सकता है? आई थिंक चारों का यस और नो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ चुका होगा। अब बीच में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसको छोड़ करके इधर आइए, जहाँ पे क्रॉस और करेक्ट का ये साइन लगा हुआ है। इस केस में कोई कंसिडरेशन था, यानी कि कंसिडरेशन मतलब ये है कि दोनों पक्षकार को कुछ मिल रहा है। ए को क्या मिल रहा है? बी को तो मान लीजिए चाय मिल रहा है, ए को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। और उसके साथ साथ अगर बी ए के यहाँ नहीं आता है तो क्या ए बी के ऊपर केस कर देगा? ये भी नहीं। यानी कि ना कंसिडरेशन है, ना ही इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है, यानी कि वैधानिक संबंध बनाने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। सेम थिंग हस्बैंड और वाइफ का है कि इनके बीच में कोई कंसिडरेशन नहीं है। हस्बैंड को कुछ नहीं मिल रहा है, वाइफ को गोल्ड रिंग मिल रही है, नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं है। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर पंडित जी को पैसा ये नहीं देता है तो इनका कोई राइट नहीं है कि जा कर के उसके ऊपर केस करते हैं। और बदले में ए को तो कोई कंसिडरेशन मिल नहीं रहा है। यहाँ तक हो गया, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो बना है एक्स और वाई का, एक्स को कुछ मिल रहा है? अगर वाई को वो कार दे रहा है तो वाई ए को कुछ दे रहा है, जाहिर सी बात है 2 लाख रुपए दे रहा है। वाई को भी कुछ मिल रहा है, यानी कि ये कार मिल रहा है, तो दोनों पक्षकार को कुछ ना कुछ मिल रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन बोलते हैं। तो कंसिडरेशन इस केस में मिल रहा है, और उसके साथ साथ क्या है कि अगर आप मेरे कंसिडरेशन के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे। ये चीज़ें भी हैं, तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन भी है। बस चार केस को इतना समझ लीजिएगा, यस और नो के पॉइंट में आप बस आंसर दे लीजिएगा अपने मन में ही, अपने आप को बस उतना काबिल बना लीजिएगा कि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सा ऐसे, बस हम लोग दोस्तों के बीच में करते हैं तो वो सोशल एग्रीमेंट होता है, परिवार में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा हो तो उसको डोमेस्टिक एग्रीमेंट बोलते हैं, और जब हम लोग बिजनेस पे आ जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल एग्रीमेंट। यहाँ तक देखिए, जो सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट होता है, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा ना रहे कि अगर पक्षकार अपने वादे से मुकरेगा तो हमें उसके ऊपर केस कर देंगे, तब तक कि क्या माना जाता है कि इनके बीच में लीगल रिलेशंस नहीं है। जब तक कि लिखा नहीं हो, जैसे डाइवोर्स का केस जो होता है उसमें भी तो हस्बैंड और वाइफ हैं, लेकिन उसमें लिखा रहता है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे, चाहे जो भी है, जैसे भी जिस तरीके का भी उन लोग का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है उसमें लिखा रहता है हर एक रूल और रेगुलेशन। तो कोई भी सोशल एग्रीमेंट बनता है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट बनता है, पॉलिटिकल एग्रीमेंट बनता है, जब तक कि उसमें साफ साफ सीधे सीधे लिखा नहीं रहेगा तब तक कि माना जाता है कि उसमें कोई भी वैधानिक उत्तरदायित्व नहीं बनेगा। नेक्स्ट जो तीसरा एग्जाम्पल था हम लोग का कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि व्यवसाय से संबंधित अनुबंध। तो जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया उसमें ये ना लिखा रहे कि इसमें कोई लीगल रिलेशंस नहीं होंगे, तब तक कि वो क्या माना जाता है कि इसमें लीगल रिलेशंस बनाएंगे। यानी कि क्या है कि दोनों पक्षकार ये मान के चलेंगे कि अगर दोनों में से कोई भी अपने वादे से मुकरता है तो दूसरा पक्षकार उनके ऊपर केस कर सकता है। आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बस ये मत सोचिएगा कि पहली क्लास है, चाहे अभी तो इतना में क्या ही हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। कभी भी जब आप कानून को पढ़ते हैं तो पहले ही दिन में ये मत सोचा करिए कि सब कुछ आ जाएगा, कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ऐसे अभी इसी के एक्सेप्शंस मैं ऐसे ऐसे बताऊँगी, फिर आपको लगेगा अभी तो पिछली बार में कुछ और बताया था, अभी तो कुछ और बता रहे हैं। तो जब अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, फिर वो सोचिएगा कि क्या क्या है, कैसे कैसे हम लोग को रिलेट करना है। अब इन दोनों के बेस पे एक कॉन्क्लूज़न ये निकलता है, एग्रीमेंट इज़ वाइडर देन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो अनुबंध होता है उसका दायरा सीमित है, जबकि जो ठहराव बनता है उसका दायरा थोड़ा ज़्यादा वाइड है। जैसे हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ये एग्रीमेंट है। इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन पाएंगे, इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कंसिडरेशन, जब तक कि लेन देन में कुछ
प्रतिफल नहीं रहेगा तब तक कि वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एग्रीमेंट बनने का मतलब क्या है, किसी पर्सन ने ऑफर दिया, किसी ने उसको स्वीकार कर लिया, काम खत्म। यहाँ पे वो क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस बन गया आपका एग्रीमेंट, साधारण भाषा में हम लोग ये कहते हैं। जब उसमें कंसिडरेशन रहेगा, उसमें कुछ और लीगल रूल्स और रेगुलेशन दिए गए हैं, अगर वो सारी चीज़ें रहती हैं तब जा करके वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसीलिए बोला जाता है जो एग्रीमेंट होता है वो बहुत ब्रॉड है, क्योंकि जैसे ही ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिला वो एग्रीमेंट बन गया, लेकिन कुछ और चीज़ें भी चाहिए होती हैं कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे और लिखा रहता है कि 100 में से अगर आप 33 से जैसे ही आप गए, वैसे ही क्या हो जाता है, माना जाता है कि आप पास हो गए, यानी कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुआ, क्या बन गया आपका, एग्रीमेंट बन गया। अब 33 नंबर से ऊपर पास हो गया तो वो टॉप भी कर जाएगा क्या, नहीं होगा। वहाँ के लिए भी क्या बनेगा, कुछ लिस्ट बनेंगे जहाँ पे जो टॉप के लोग होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा, सबसे अधिक नंबर वाले लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। पास में मान लेते हैं 55 बच्चे पास हो गए जिनका 33 के ऊपर था, 55 के 55 टॉप करके नहीं होगा, उसमें से 3 लोग का नाम छाटा जाएगा। मान लेते हैं इसमें से किसी का 75 नंबर था, किसी का 70 नंबर है, किसी का 65 नंबर है, इन 3 को छाटा जाएगा कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड की रैंकिंग इन लोग की आई है। पास होने को 55 लोग पास हुए, तो ये जो टॉप करने का था वो तो कम लोग के हुए ना, पास तो ज़्यादा लोग हुए। वैसे ही होता है, एग्रीमेंट का दायरा बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे ही आपका ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुआ वह एग्रीमेंट बन गया, लेकिन उनमें से कुछ स्पेशल क्राइटेरिया को जो पार करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब वो स्पेशल क्राइटेरिया क्या है आपकी बताने जा रही हूँ, क्या क्या है वो। कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है 2H में, 1x1 करके मैं, कई सारे ऐसे सेक्शन हैं जो आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को 2H में बताया गया। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध। अनुबंध बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तरफ एग्रीमेंट चाहिए, दूसरी तरफ चाहिए इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब क्या होता है, पार्टीज कैन सू एंड कंपेल पार्टीज थ्रू कोर्ट, यानी कि पार्टीज एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कानून द्वारा प्रवर्तनीयता लाना, उसको हम लोग प्रवर्तनीय करा सकते हैं। और एग्रीमेंट का मतलब क्या है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, इसमें कंसिडरेशन को भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन जैसे ही ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है उसका नाम हम लोग दे देते हैं कि एग्रीमेंट बन गया है। ऑफर मिला, एक्सेप्टेंस हुआ और कंसिडरेशन बना तो आपका एग्रीमेंट बना। प्लस इसमें क्या चाहिए, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, यानी कि जब तक कानून का हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सीधी सीधी सी बात है ये। अब इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑफर का मतलब क्या होगा, एक्सेप्टेंस क्या होगा, कंसिडरेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए, ऑफर मतलब क्या है कि जब एक पक्षकार ए है, एक पक्षकार बी है, इसने कोई बात बी तक पहुंचाई, कोई भी बात कही और इस उद्देश्य से कही कि बी इसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो माना जाएगा कि ए ने बी को कोई प्रस्ताव दिया है, कोई प्रपोजल दिया है, कोई ऑफर दिया है। आई थिंक समझ में आया होगा। अगर बी उसको स्वीकार कर लेता है यानी कि यस बोल देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ए के प्रस्ताव की स्वीकृति मिल गई है। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। ए ने कुछ वादा किया होगा, बी ने भी कुछ वादा किया होगा, तो ए ने जो वादा बी के लिए किया है इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसिडरेशन कहेंगे बी के लिए। बी ने जो वादा ए के लिए किया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन फॉर ए, ए के लिए वो कंसिडरेशन है। आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। कंसिडरेशन मतलब क्या है कि जो पक्षकारों को कुछ मिल रहा है, एग्जाम्पल के लिए जो एक्स और वाई वाला था, एक्स को 2 लाख रुपया मिल रहा था और वाई को कार मिल रही थी, तो ये क्या है, एक्स और वाई के लिए कंसिडरेशन है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है इन्फोर्सिबिलिटी। इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो एग्रीमेंट में अगर पाई गई तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इन्हीं फीचर्स को हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन से फीचर्स हैं जो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने में मदद करते हैं।
देखिए जो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया गया है धारा 10 में। जितने भी धारा से संबंधित है वो मैं एक अलग वीडियो में, छोटा सा रहेगा 2-4 मिनट का, जिसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको याद हो जाएगा। तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए एग्रीमेंट की आवश्यकता होती है। इसीलिए बोला जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का दायरा है वो एग्रीमेंट से होकर के ही गुजरता है। एग्रीमेंट का दायरा थोड़ा ज़्यादा होता है, कॉन्ट्रैक्ट का दायरा कम होता है। अगर आपके एमसीक्यू में कभी पूछ देता है कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट है, यानी कि एग्रीमेंट इस पे आधारित होता है, तो ये स्टेटमेंट सरासर गलत है, क्योंकि एग्रीमेंट बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता हो। लेकिन वहीं पर अगर ये बोले कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ठहराव आवश्यक होना चाहिए, अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए, तो ये स्टेटमेंट आपका सही होगा, क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले एग्रीमेंट की आवश्यकता होती है। और एग्रीमेंट कैसे बनता है, दो पक्षकार होते हैं, जो एक ऑफर देता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक, नेक्स्ट होता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब होता है स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति अलग से एक चैप्टर है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। बस यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जब ऑफरर कुछ ऑफर दे रहा है, एक्सेप्ट जो करने वाला पर्सन है वो अपनी इच्छा से उसको एक्सेप्ट कर रहा है। सीधी सीधी सी बात है कि वो सहमति तो दे रहा है, और सहमति अपने पूरे दिमाग से दे रहा है, अपना पूरा सोच करके दे रहा है। उसको ये पता है कि मेरा हित क्या है, अहित क्या है, ये सारी चीज़ें सोच करके तब वो दे रहा है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति। नेक्स्ट है कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज़। कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज़ का भी एक अलग से चैप्टर है। यहाँ पे पक्षकार की क्षमता से मतलब होता है। पक्षकार की क्षमता का होने का मतलब ये है कि वो कोई भी पक्षकार है, चाहे वो ऑफर दे रहा है, चाहे वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो पागल नहीं होना चाहिए, वो माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर मतलब होता है 18 साल की उम्र के कम का लोग नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ वो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जिससे कानून कहता है कि आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉफुल कंसिड्रेशन। लॉफुल कंसिड्रेशन का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी कंसिड्रेशन नहीं होना चाहिए जो कानून कहता है कि आप इसको कंसिड्रेशन के रूप में नहीं दे सकते हैं। जैसे ऑफर दिया था एक्स ने, वाई ने 2 लाख रुपए डकैती डाल करके उसके बाद ऑफरर को दे दिया, तो वो क्या है कंसिड्रेशन। कानून कहता है क्या कि चोरी करके पैसे दे दो या फिर किसी का मर्डर कर दो, तो वो लॉफुल कंसिड्रेशन नहीं होगा। इन दोनों को एक साथ रिलेट करके करिएगा, क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का जो उद्देश्य होता है वही एक तरीके का कंसिड्रेशन होता है। जैसे एक्स और वाई हैं, एक्स ने बोला कि मैं आपको 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप एक पक्षकार सी है, इसका मर्डर कर दीजिएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका उद्देश्य क्या है, सी का मर्डर करना। ठीक, कानून कहता है कि आप उस किसी का मर्डर कर सकते हैं, नहीं ना, यानी कि वो लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसका जो काम है, जो उसका उद्देश्य है, वो कानून द्वारा स्वीकृत नहीं है। तो अगर वो स्वीकृत नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, लेकिन एग्रीमेंट तो बन सकता है। लॉफुल कंसिड्रेशन का मतलब क्या है, इन्होंने काम एक्स के लिए क्या किया है, एक ऐसा काम किया है जो कानून कहता है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो वो कंसिड्रेशन क्या है, लॉफुल नहीं माना जाएगा। बदले में जो एक्स पैसा देगा वो भी आपका लॉफुल नहीं माना जाएगा, कानून द्वारा स्वीकृत नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। यानी कि वॉइड का मतलब क्या होता है, उसको अवॉइड कर दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। हिंदी में इसको बोलते हैं व्यर्थ। व्यर्थ होने का मतलब क्या है, इन लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसका कोई मतलब नहीं है कानून की नज़र में। कानून की नज़र में क्या मतलब है कि इन दोनों ने मिलकर के सी को का मर्डर किया हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इन लोगों में जो भी झगड़े बवाल होते हैं, कानून को उससे लेना देना नहीं है, लेकिन इन्होंने ये जो काम किया है उस पर क्या करेगी, इन लोगों के ऊपर केसेस कर सकती है। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना था उसका कोई मतलब कानून के नज़र में नहीं है, उसी को हम लोग बोलते हैं वॉइड। नल एंड वॉइड हो गया, चाहे वॉइड एब इनिशियो हो गया, ये सब वर्ड व्यर्थ अनुबंध के लिए मनाए जाते हैं। व्यर्थ अनुबंध को ही शून्य अनुबंध बोला जाता है। तो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, कानून द्वारा कोई भी ऐसा अनुबंध नहीं होना चाहिए जो कानून कहता है कि आप ऐसा अनुबंध बना ही नहीं सकते हैं। जैसे किसी के
कंसीडरेशन के बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना। धारा 25 कहती है कि आप बिना कंसीडरेशन के अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सीधी सीधी सी बात है वो वॉइड है, उसका कोई मतलब नहीं है, कानून उसके बारे में कुछ नहीं जानती है। अगर आप किसी माइनर के साथ यानी कि किसी भी अवयस्क के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कानून कहता है कि आप जानिए और आपका काम जाने, हम अपने जो अवयस्क है उसकी रक्षा करेंगे और आप अपना देखिए, उसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये भी एक अलग से चैप्टर है। देखिए जितने भी पॉइंट्स हैं सबके एक अपने अपने अलग अलग से चैप्टर हैं, तो इसके बारे में और डिटेल में उन चैप्टर्स में पढ़ना है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है तो उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि दोनों पक्षकार के बीच में एक वैधानिक संबंध स्थापित हो। वैधानिक संबंध स्थापित होने का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर पक्षकार में से कोई भी एक दूसरे से वादे को से मुकरता है तो दूसरा पक्षकार उनके ऊपर केस कर सकता है। नेक्स्ट है फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़, ये इसी से संबंधित हो जाता है कि आप जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है जो भी कानूनी व्यवस्थाएँ हैं उसके अनुसार ही करिए। और उसके साथ साथ क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हैं उसका मतलब होना चाहिए, कुछ मतलब होना चाहिए। जैसे बोल दिया कि ए ने बी से बोल दिया कि मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, चलो किससे भी रिलेटेड कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, और ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जिसका कुछ एक्चुअल में मीनिंग नहीं आ रहा है। तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग अगर नहीं है, निश्चितता नहीं है, तो ऐसे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। और नेक्स्ट क्या बोलता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो भी कार्य के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो संभव होना चाहिए, असंभव नहीं होना चाहिए। जैसे एक पक्षकार है, दूसरा पक्षकार है, ए बी से बोलता है कि ऐसा करो मुझे 5 करोड़ रुपये दे दो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा, चांद तक का एक रोड बना दूँगा। तो क्या है, जो परफॉर्मेंस के लिए वादे कर रहे हैं वो काम कभी नहीं हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है ही नहीं। तो एग्रीमेंट बन सकता है लेकिन वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का रूप धारण नहीं कर सकता है। जहाँ तक आपको समझ में आया होगा समझ लीजिएगा। जैसे अगर कुछ पॉइंट्स नहीं समझ में आती हैं तो ये मत सोचिएगा कि बस यहीं तक है, ये अभी सेम थिंग को आप कई बार पढ़ेंगे, कई सारे एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे तो वो और अच्छे से क्लियर होगा। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हों, जितना भी समझ में आई हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।